सीबीआई को पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 13,578 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को सीबीआई की टीम मिस्र के काहिरा शहर से मुंबई लेकर आई है। सीबीआई ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के करीबी सहयोगी सुभाष शंकर को काहिरा से भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की। लंबे समय से सीबीआई सुभाष शंकर को भारत लाने की कोशिशों में जुटी थी। सीबीआई के एक बड़े ऑपरेशन के जरिए इस पूरे काम को अंजाम दिया गया। 49 साल का सुभाष शंकर 2018 में नीरव मोदी के साथ भारत से भाग गया था। तब से सीबीआई उसे देश वापस लाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। सुभाष शंकर पीएनबी बैंक घोटाले के मामले के आरोपियों में से ही एक है। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई ने नीरव मोदी पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। उस पर अपने कुछ कर्मचारियों का जबरन अपहरण कर काहिरा ले जाने का भी आरोप है। सुभाष शंकर को नीरव मोदी का सबसे खास माना जाता है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुभाष के भारत आने के बाद नीरव मोदी पर शिकंजा कसने में भी सीबीआई को सफलता मिल सकती है। अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही नीरव मोदी को भी भारत लाने के रास्ते साफ हो जाएंगे। सीबीआई अब सुभाष शंकर को मुंबई कोर्ट में पेश करेगी। यहां सुभाष की कस्टडी मांगी जाएगी। अपनी हिरासत में लेने के बाद सीबीआई पीएनबी घोटाले मामले में सुभाष शंकर से अहम पूछताछ करेगी। बैंक के साथ हुई धोखाधड़ी और घोटाले के दौरान सुभाष शंकर नीरव मोदी की कंपनी में बतौर डीजीएम फाइनेंस के पद पर काम कर रहा था। उसे नीरव मोदी का करीबी और राजदार भी माना जाता रहा है। साल 2018 में इंटरपोल ने पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के अनुरोध पर नीरव मोदी, उसके भाई और उसके कर्मचारी सुभाष के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इस पूरे मामले में नीरव मोदी पर अपने कुछ कर्मचारियों को जबरन अपहरण कर काहिरा ले जाने का आरोप लगा था। तो ये थी नीरव मोदी के खासम खास सुभाष शंकर से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।